ये था इनका एक अलग कल्चर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेख फैमिली ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ बैठी है मेरी दादी जान, अम्मा। ये देखो, तो मैं आ गया हूँ मुंबई में और मेरा सफ़र तुर्की का बहुत अच्छा था। आप लोग देखेंगे इस वीडियो में मैंने तुर्कीश एयरवेज में कैसा ट्रैवल किया और है ना, मुझे इकोनॉमी क्लास में बिजनेस क्लास का फूड मिला। दोस्तों, जिस दिन मेरा ट्रैवल था ना बैक टू बॉम्बे, तो उस दिन इस्तानबुल में ना बहुत बारिश थी और क्लाइमेट भी इतना थंडरिंग था और वैसे भी 7 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, साथ ही में इतनी ठंडी थी कि पूछो मत। बाहर भी इतनी खूबसूरत मस्जिद है एयरपोर्ट के, आप लोग देख सकते हैं नज़ारा। इस्तानबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम आ गए हैं अभी एयरपोर्ट पर। थोड़ी देर में हम जाएंगे अंदर, हमारी फ्लाइट है मुंबई के लिए। तो आप लोग को दूसरा वीडियो ज़रूर देखने मिलेगा, इस्तानबुल टू मुंबई तुर्की एयरवेज। तो जैसे ही हम लोग अंदर आए ना दोस्तों, तो देखिए वहाँ पे चेक इन काउंटर्स पे इंफॉर्मेशन थी, काफ़ी फ्लाइट डिटेल्स दिखी हमें और लोग यहाँ पे इतने हुजूम में थे और रौनक तो रमज़ान की तो पूछो ही मत। पूरे एयरपोर्ट पे इतना अच्छा डेकोरेशन था और मैं एक चीज़ देख के बहुत सरप्राइज हुआ, यहाँ पे ना किड्स जोन एरिया था डिपार्चर हॉल में ही जहाँ चेक इन काउंटर्स है। इनके डिपार्चर हॉल में ही है ना दोस्तों, देखो मेरे को बच्चों लोग का ना खेलने का एरिया दिखा है जिधर जाइंट व्हील्स है और थोड़े बहुत बच्चे लोग पीछे आके ना खेल रहे हैं। अलीमीरा नईमा, अगर आप लोग यहाँ होते ना तो मैं आप लोग को ये इधर भेजता था खेलने। और अंदर आने के साथ और एक एक अलग झलक देखने को मिलेगी आपको। देखो क्या बोल रहे हैं ये, रमदान करीम, रमदान मुबारक। वेलकम टू माई चैनल। तो मैं इस्तानबुल एयरपोर्ट पे हूँ, ये यहाँ के टर्किश ड्रेस में कॉस्ट्यूम में ड्रेस हुए हैं एंड ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस। और इनके साथ इनकी पूरी टीम है यहाँ पे, इन्होंने ना रमदान के लिए एक विलेज जैसा बनाया है। जैसे आप लोग ने दरंगाव देखे होंगे, फेस्टिवल होता है रमदान में, बिल्कुल उसी तरह ये लोग भी टर्किश में सेलिब्रेट करते हैं। तो एयरपोर्ट पे इससे अच्छी झलक मुझे और किधर नहीं दिखी पूरे इस्तानबुल, पूरे तुर्की में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ये देखिए इनकी ऐसा इन्होंने बच्चों के लिए तैयार किया है, खेमे बनाए हैं, हट्स बनाए हैं, फोटो और अलग अलग तरीके के बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए लोग ने इंतजाम किए हैं। स्पेशली स्टोरी टेलर है, सेल्फी फोटो स्टैंड है, लाइब्रेरी है यहाँ पे पीछे मेरे अंदर, आप लोग देख सकते हैं। ये इनका जो इनके टर्किश कल्चर है वो प्योरली आपको देखने मिलेगा। था इनका एक अलग कल्चर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग ने देखे वहाँ पे रमजान का एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और मैं अब पहुँच गया हूँ इस्तानबुल के ड्यूटी फ्री शॉप में। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे ड्यूटी फ्री शॉप, मैंने काफ़ी ड्यूटी फ्री शॉप्स देखे हैं एयरपोर्ट्स के, तो उसके कंपेयर अगर मैं करूँगा ना तो इस्तानबुल का ये एयरपोर्ट भी अच्छा है। अब मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है ड्यूटी फ्री में चीज़ें देखने की अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत थक गया हूँ कुछ खाने और रोज़ा का इफ्तार का तैयारी करनी है। Thank you.
इफ्तार का टाइम नज़दीक आ रहा है ना दोस्तों, तो हम लोग ने IGA लॉन्च में टर्किश एयरपोर्ट के अंदर चेक इन किया है। इफ्तार का टाइम करके इफ्तारी रोज़ा खोल के ही आगे जाएंगे। एक अच्छी सहूलत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। IGA लॉन्च में आके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इफ्तारी भी करेंगे और फिर निकलेंगे। और यहाँ पे ना आज क्लाइमेट बहुत बेकार हो गया है, यानी बहुत बारिश है भाई, बहुत बारिश है, कड़ाके की बारिश। ऐसा लग रहा था मैं मुंबई में हूँ, इस्तानबुल में नहीं हूँ। अभी मैं फटाफट तैयार करता हूँ और थोड़ी देर में रोज़ा खोलेंगे। भाई ये टर्किश एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है। इफ्तारी करने के बाद है ना, हम लोग का जो गेट लगा था वो था F, और F आने तक है ना ऑलमोस्ट 700 meters लगा है। तो सोचो ये ड्यूटी फ्री इनका कितना बड़ा है। और अभी हम लोग को भागना है फौरन, एयरक्राफ्ट में बोर्ड करना है, फ्लाइट का टाइम होने को आया है। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ के बोर्डिंग गेट्स है। टर्किश एयरलाइंस का एक प्लेन खड़ा है वहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों मैं बोर्ड कर रहा हूँ मेरी टर्किश एयरवेज की फ़्लाइट मुंबई के लिए, और फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ टर्किश एयरवेज से। आप लोग का अंदर का प्लेन का कैबिन कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाता हूँ और फ्लाइट कैसी रहेगी उसका अपडेट्स भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। टर्किश में तो हम लोग को, तुर्की में तो हम लोगों को इंडियंस नहीं दिखे थे, बट मुंबई की फ्लाइट में हम लोग को काफ़ी इंडियंस लोग दिख रहे थे। तो फाइनली ना दोस्तों मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ। सीट पे आने के साथ देखो हम लोग को क्या मिला। ये ब्लैंकेट दिया है, हेडसेट दिया है, रमेश भाई मेरे को हेल्प कर रहे हैं, मेरे बाजू में बैठे। और ये हेडसेट है जो आपको हाईफी यूज़ करने टाइम पर काम आएगा। और एक पिलो है, पिलो भी दिया है, वाह। और देखते हैं इसकी सीट कैसी है, इसकी सीट भी काफ़ी मज़ेदार है। लेग रूम की अगर बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस है गाइस। ये है इसका IFE सिस्टम, मॉनिटर, ट्रे टेबल, बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है। और इस एयरक्राफ्ट में सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये हाई पावर इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। G90 लगे हुए इसके एयरक्राफ्ट पे, दो इंजन एयरक्राफ्ट है और पूरे वर्ल्ड में हर एयरलाइंस इसको यूज़ करना पसंद करती है। और रिसेंटली इंडिगो ने भी टर्किश एयरवेज से लीज पे लिया है। पहला एयरक्राफ्ट इंडिगो का रहेगा 777 वाइड बॉडी, जो इंडिगो ने उन्हें दिया है। बाहर तो हम लोग को इतनी ठंडी लग रही है, लेकिन कैबिन के अंदर आए हम एयरक्राफ्ट के अंदर तो बहुत बहुत गर्म हो रहा है। तो उसको ही चेक करने के लिए जनरली एयरक्राफ्ट के ना ऊपर टॉप पे एयरकॉन रहता है, पर इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। आई थिंक जब एयरक्राफ्ट पुश बैक होगा, इंजन स्टार्ट होगा, तो सेंट्रलाइज AC ऑन हो गया, फिर कैबिन कूल होगा। रमेश भाई ने बिल्कुल अभी सही बात बोली है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा ठंड है, इस वजह से इन्होंने एयरकॉन चालू नहीं किया। यानी जो हमारा नीचे से भी एक हम एयरकॉन लगाते हैं ताकि कैबिन में हवा पहुँचे, वो भी इन्होंने नहीं लगाया। आई अप्रिशिएट योर IQ लेवल रमेश बाबू, बढ़िया है। फिर मिलेंगे टर्किश एयरलाइंस में।
जैसे ही हमारा फ्लाइट टेक ऑफ लिया ना गाइस, तो ये एमिनिटी किट मिला मुझे प्लेन में। जी हाँ, इसके अंदर है ना, एज यूजुअल जैसे अदर एयरलाइंस में, आपको ना आई शेड या ईयर प्लग और आपका सॉक्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद थी। और मुझे ना सबसे अच्छा ना इसका ये बैग लगा। देखिए ना, इसका बैग कितना खूबसूरत है ना, बिल्कुल तुर्की के मटेरियल का है। तो मिलना ही चाहिए ना, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, तो क्रू आके फ़ौरन बोलती है कि सर वी हैव ओनली वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड्स आर नॉट अवेलेबल। तो मैं थोड़ा सा उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मैं फास्टिंग में हूँ, तो मैं अभी जैसे लैंड करूँगा मुंबई में तो वहाँ के टाइम के हिसाब से मुझे फास्ट शुरू करना है। तो मैं कुछ खाया ही नहीं हूँ आपके इस्तानबुल में, और आप लोग के कंट्री में तो टाइम भी बहुत बड़ा है, तो बिचारी ने मुझे बिज़नेस क्लास का खाना ला के दिया। जी दोस्तों, बिल्कुल सही में इकोनॉमी क्लास सीट पे मुझे बिजनेस क्लास का खाना मिला। फ्रूट सलाद था, वाटर था, और ये कैश्यू नट्स का जो था ना, अपने ड्राई फ्रूट्स का, बहुत अच्छा था, टेस्टी था। और जब मैंने इनका ये देखा, खाना खोल के देखा ना, तो यू नो व्हाट, मुझे मटन का क्यूब्स मिले थे गाइस। यस, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा खाना था कि मैंने पेट भर के अपनी सहरी भी किया। और जैसी सहरी होगी ना दोस्तों, तो मेरी बाजू की सीट है ना खाली थी, तो मैं सो गया था पूरी फ्लाइट। और मेरा सफ़र बहुत अच्छा था, और मैं सीधा फिर लैंडिंग के टाइम पे उठा मुंबई में। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखें और आपके नियर और डियर वंस को शेयर करना ना भूलिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें, आप लोग का शेयर हमें हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। दुआओं में याद रखें, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, मा सलामा।